इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ महारैली राष्ट्रीय स्तर के ऊपर दिल्ली में आयोजित की जा रही है और उसी की तैयारी के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उसकी तैयारी का हम लोगों ने जायज़ा लिया और राजस्थान से बहुत बड़ी तादाद में हम लोग दिल्ली जाएंगे और महंगाई हटाओ का नारा दिल्ली चलो जाकर के वहाँ पर सोई हुई सरकार मोदी सरकार को जगाने का काम करेंगे। बहुत ही जो लोगों को छूने वाला जो मुद्दा है क्योंकि महंगाई से सब परेशान हैं। आज औरतें जो उज्ज्वला योजना की मोदी जी और उनकी सरकार बड़े बड़े वादे करती थी, आज एक भी उज्ज्वला योजना का सिलेंडर वो गरीब नहीं भरवा पा रहा है। उसके वो चूल्हा है वो उसको चिढ़ा रहा है कि मेरे को कब जलाओगे, लेकिन गैस में सब्सिडी उनके है नहीं। गैस का चूल्हा भी चूंकि लोन ले करके लोन बेसिस पे दिया था और ट्रांसपोर्टेशन का जो ये जो पेट्रोल और डीजल में कमी की गई है केंद्र की सरकार के द्वारा, उससे ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज भी कम नहीं हुए। क्योंकि सबको ये पता है कि मैंने 2 महीने में ये उपचुनाव या चुनाव 5 राज्यों के या 4 राज्यों के जो भी हैं वो समाप्त हुए और ये वापस पैसा बढ़ जाएगा, तो वो भी नहीं कर पा रहा। तो निश्चित रूप से जो रैली है वो हमारी सफल होगी और ऐतिहासिक रैली। अलवर जिला हमेशा से ही अग्रणी रहता है, जब भी कोई भी पार्टी का प्रोग्राम जयपुर हो चाहे दिल्ली हो तो अलवर से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जो हमें टारगेट दिया जाएगा उससे अधिक ज़्यादा हम ले जाने का प्रयास करेंगे और रैली सफल होगी, क्योंकि जनता में महंगाई के प्रति बहुत ही आक्रोश आया हुआ है। पूरी जनता ये चाह रही है कि ये महंगाई खत्म होनी चाहिए और हम भी चलने को तैयार हैं, हम भी चलने को तैयार हैं। तो एक जनता में जोश है और अधिक से अधिक लोग वहाँ